हाय एवरीवन, आज मैं जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है कुंदरू या टेंडली की सब्जी मराठी स्टाइल में। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले पैन को गर्म करेंगे, फिर उस पर तेल डालेंगे, उसमें हींग, राई और साबुत जीरा डालेंगे। उसके बाद फिर थोड़ा सा ये तरकने लगे फिर इसमें कड़ी पत्ता डालेंगे और बारीक कटा हुआ अदरक और हरी मिर्च को डाल देंगे। फिर थोड़ा सा भूनेंगे और फिर उसमें कच्चे मूंगफली को डालेंगे। थोड़ा सा चलाते हुए इसको फ्राई करेंगे और फिर इसमें नारियल, ग्रेटेड नारियल को डाल देंगे। और फिर इसमें डालना होगा हमें हल्दी, लाल मिर्च और धनिया पाउडर। फिर उसके बाद जो बारीक कटा हुआ कुंदरू है उसे डालेंगे और मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे कुंदरू के साथ। हमने देखा है बच्चे अक्सर कुंदरू के नाम से भागते हैं, पर यकीन मानिए आप इस तरह से एक बार बनाकर उन्हें खिलाइए, उन्हें बहुत पसंद आएगा। इस तरह से अच्छी तरह से मसाला जब मिक्स हो जाए उसके बाद इसमें हम डालेंगे नमक, फिर इसको हिलाएंगे थोड़ी देर और फिर इसमें थोड़ा सा चीनी डालेंगे। इसमें पानी का यूज़ बिल्कुल नहीं करेंगे और ढक ढक कर इसे पकाएंगे। जब हम ढक्कन खोल कर देखेंगे कि कुंदरू पक गया है तो फिर इसमें ग्रेटेड किया हुआ नारियल जो बचा हुआ है उसे डाल देना होगा। धनिया पत्ता बारीक कटा हुआ डालेंगे। ऐसे हाथ से दबा कर आप देख सकते हैं कि ये पका है कि नहीं, और कुंदरू को बिल्कुल गला नहीं देना है, इसे थोड़ा सा क्रंचीनेस रखना है इसमें। उसके बाद नींबू का रस निचोड़ देंगे और अच्छी तरह से इसको मिला लेंगे। कुंदरू जो है वो पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में मदद करता है। इसमें पोटेशियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होता है और इसमें मौजूद कैल्शियम हड्डियों को भी मजबूत बनाता है। कई लोग कुंदरू की सब्जी को इस तरह से बनाते होंगे, पर जिन्होंने अभी तक इस तरह से ट्राई नहीं किया है एक बार ज़रूर ट्राई करिए और कुंदरू के इस सब्जी का मज़ा ले। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।